डॉक्टर ने नाबालिग के प्रेग्नेंट होने की पुष्टि कर दी है। उसके बाद ये देखिए, नाबालिग ने माता पिता को रोते हुए आप बीती बताई। एक एक करके खुलासा होता है। जब 60 दिन बीत जाते हैं, नाबालिग के पेट में दर्द होता है, तो माता पिता मोहित खान के पास गए। और इसके बाद नाबालिग के माता पिता जब मोहित खान के पास गए, तो आरोपी पता चलता है कि मोहित ने बच्चा किराने की दवा देने की बात भी उस नाबालिग के माता पिता से कही। यहां परेशान होकर नाबालिग की मां भदरसा चौकी के पास पहुंची और वहीं सपा नेता मोहित खान ने 2000 रुपए दिए। भदरसा चौकी की पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। इसके बाद निराश परिवार थाना पुराकलंदर गया, जहां पुराकलंदर एसएचओ ने पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज की। इसके बाद निषाद पार्टी और हिंदू संगठन सड़क पर उतरकर विरोध जताने लगे। जब बीजेपी पीड़िता को इंसाफ दिलाने पर अड़ गई और प्रदर्शन के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यानी कि माता पिता जो अपनी आप बीती लेकर के पुलिस के पास पहुंचे, उन्होंने भी एफआईआर नहीं दर्ज की। उसके बाद जब बीजेपी विरोध प्रदर्शन करती है, तो ये बड़ा खुलासा होता है। अब देखें सपा के दामन में कितने दाग है, इससे समझिए। इनको तो आप जानते होंगे, सपा नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति पर भी गैंग रेप के आरोप लगे हैं। 2016 में चित्रकूट की महिला ने आरोप लगाया था। अखिलेश सरकार में गायत्री प्रसाद प्रजापति खनन मंत्री थे, ओहदा था, खनन पट्टे का लालच देकर शोषण का आरोप लगाया और पीड़िता की नाबालिग बेटी के भी शोषण का आरोप इन पर लगा हुआ है। सपा सरकार में गायत्री रसूखदार राजनेता रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने पीड़िता की आवाज अनसुनी की थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री पर एफआईआर दर्ज हुई और गायत्री प्रजापति और उसके दो साथी दोषी पाए गए हैं। तो गायत्री प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा मिली है। इनको आप देख सकते हैं, यही है गायत्री प्रजापति जिनको ओहदा भी मिला हुआ था। और तो देखिए, अब सपा मोहित खान को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। समाजवादी पार्टी मोहित मामले में चुप्पी साध कर बैठी हुई है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद की मोहित खान पर चुप है, बिल्कुल चुप है, अनजान बने हुए हैं समाजवादी पार्टी के लोग। और फिलहाल अब चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल खबरों का रुख कर लेते हैं। और खबर देखिए इसराइल से है। इसराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी कि हमास शेफ इस्माइल हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में मौत के घाट उतार दिया। और इसके बाद से ही जो दुनिया है वो अनजाने खौफ के साए में लिपटी है और सवाल कर रही है कि इसराइल के इस कदम के बाद अब ईरान आखिर क्या करेगा। क्या ईरान से अब अगले विश्व युद्ध की चिंगारी उठेगी? क्या कहते हैं रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं। दो सौ 97 दिनों बाद आखिरकार इसराइल ने अपने देश पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले का बदला ले ही लिया। बदला भी ऐसा कि इसराइल ने ईरान में घुसकर दुनिया में आतंक का सबसे खतरनाक चेहरा बने हमास चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया। बेशक अपने सबसे बड़े दुश्मन को ढेर करने के बाद इसराइल शांत होगा, बदला पूरे होने के बाद नेतन्याहू के कलेजे को ठंडक मिल चुकी होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या घर में घुसकर किए गए मेहमान की हत्या के बाद क्या ईरान शांत रहेगा? क्या ईरान इसराइल के इस हमले के बाद चुप बैठेगा, या फिर इस हमले के बाद ईरान दुनिया को उस महातबाही का चेहरा दिखाएगा जिसके बारे में सोचकर दुनिया पिछले 9 महीने से थर्राती रही है? इस्माइल हानिया ढेर, इसराइल बब्बर शेर। इसराइल का बदला पूरा, अब ईरान से महातबाही का खतरा। यह आशंका इसलिए क्योंकि खबर यह है कि ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान अब तड़प उठा है। ईरान के मुख्य जमकारान मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया गया है, जिसका सीधा मतलब है कि ईरान अब इसराइल से इंतकाम लेगा। इतना ही नहीं, इंतकाम के ऐलान के साथ ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई ने बदला लेने का खुला ऐलान भी कर दिया है। खामनेई ने ईरान के सरकारी टेलीविजन के जरिए ऐलान करते हुए कहा,
कि हानिया की हत्या करके अपराधी यहूदी शासन ने अपनी सजा का आधार तय कर दिया है। हानिया हमारे प्रिय मेहमान थे जिनकी हमारी जमीन पर हत्या कर दी गई, उनका बदला लेना हमारा कर्तव्य है। आपको बता दें कि ईरान में जमकारान मस्जिद पर इस झंडे को बदले का झंडा कहा जाता है। ये वहां तभी फहराया जाता है जब ईरान किसी की मौत या हमले का बदला लेने का ऐलान करता है। ऐसे में यह तय है कि ईरान ने अगर जमकारान मस्जिद पर लाल झंडा फहराया है तो वो अपने दुश्मन को चेतावनी दे रहा है। वहीं ईरान की चेतावनी के बाद इसराइल ने भी पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि अभी तक इसराइल ने हानिया की हत्या को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन दुनिया में यह स्पष्ट संदेश है कि हानिया की हत्या करके इसराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन से बदला ले लिया है। वहीं ईरान के लिए हानिया की हत्या का बदला इसलिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है क्योंकि हानिया ईरान में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने आया था और वो ईरानी राष्ट्रपति आवास परिसर में ही ठहरा हुआ था। ऐसे में ईरानी राष्ट्रपति के घर में घुसकर हानिया की हत्या होने के बाद ईरान अब मिडल ईस्ट में कमजोर देश के तौर पर दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इसराइल की छवि एक ताकतवर, अड़ियल और जिद्दी देश के तौर पर बनती दिखाई दे रही है। मगर ईरान के लिए इसराइल को चुनौती देना भी आसान नहीं है क्योंकि हानिया की मौत पर दुनिया अब दो हिस्सों में बंटी नजर आ रही है। एक तरफ जहां चीन और रूस ने इस हमले की निंदा की है तो दूसरी तरफ अमेरिका ने इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी खुलकर नहीं कहा है। लेकिन अमेरिका ने यह जरूर साफ कर दिया है कि इसराइल पर हमला होने की हालात में वो हर हाल में इसराइल के समर्थन में खड़ा होगा। जबकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और वहां राष्ट्रपति चुनाव के मजबूत दावेदार कहे जा रहे डोनाल्ड ट्रंप खुलकर इसराइल के समर्थन में खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा, He died like a dog. He died like a coward. He was whimpering, screaming, and crying. And frankly, I think it's something that should be brought out so that his followers and all of these young kids that want to leave various countries, including the United States, they should see how he died. He didn't die a hero. He died a coward. ईरान भले ही इस वक्त बौखलाया हुआ है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ईरान को अगला कदम उठाने से पहले कई खतरों को ध्यान में रखना होगा क्योंकि मौजूदा हालात में उसने जरा भी गड़बड़ी की तो दुनिया में वो महायुद्ध शुरू होगा जिसमें उसके साथ मिडल ईस्ट के कतर, लेबनान और तुर्की जैसे देश खड़े होंगे। वहीं उसका सामना खतरनाक हाईटेक हथियारों से लैस इसराइल और अमेरिका जैसे देशों से होगा जो पल भर में दुनिया का भूगोल बदलने की पूरी ताकत रखते हैं। रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब इस्माइल हानिया कैसे मारा गया ये हम आपको बताते हैं। हानिया की मौत के पीछे मोसाद का नाम बताया जा रहा है। मोसाद आप जानते ही होंगे, इजराइल की खुफिया एजेंसी। 15 साल से हानिया को ट्रैक कर रहा था मोसाद और इसके बाद ये समझा जा रहा है कि इजराइल